कौन था आते थे 3 बजे? मम्मी क्या कह रहे मैं खाना खा ले खाना खा ले मुझे लगा काम करने हवे और काम फिर तो खाना बनावे कौन फिर खाना कौन बनावे मम्मी 3 बजे उठ के 3 बजे रात को तू झूठी हाँ सच्ची क्या रोटी खाई थी बता फिर मैंने 3 खाई थी 3 रोटी और सब्जी सब्जी भी कौन आलू के साथ खाई थी आलू के साथ तो बब्बू पर दिया हाँ सुबह सुबह उठ के पेट भर के फिर क्या करे सो जा खा कर सो जाती है हाँ और काम करा है हाँ गली में चक्कर तो लगाने जाती गली में चक्कर वक्कर लगाने जाती हूँ क्या पता घूमन भी जा कर आती हाँ कहाँ तक घूमना है ऊपर ऊपर छत पे हाँ अच्छा घूमने गई है अल्लू भी गए थे कल्लू भी अल्लू हाँ मम्मी ने मना करा था क्या मना करा था मैं कल्लू भी अभी कल्लू मम्मी कह रही थी कल्लू कटूंगी कटूंगी मम्मी कह रही थी क्यों काटेगी तुम कल्लू को हाँ बड़ी कल्लू तो सीधी है और तेरा क्या नाम है टल्लो नहीं ये थी ये गांधी भी अक्का है पापा ने और परी भी परी परी और शिवानी मतलब तेरे तो 3 नाम हो गए फिर एक शिवानी एक परी कल्लू ने अक्का है क्या परी खुशबू देख खुशबू अक्का तेरे तो कितने ही नाम हो गए तेरा नाम खुशबू है हाँ। अच्छा जी मतलब लड़की तो भाई बहुत काम की है तेरा नाम खुशबू तो सपना का नाम था भाई जन्म का तेरा जन्मदिन कब आ रहा क्या सोचे परसों परसों और क्या क्या बनवाने वाली क्या क्या बनेगा हलवा हलवा और गाजर का हलवा हाँ। और क्या बनेगा और पूरी पूरी और क्या बनाएगी वो बनाएगी पनीर 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 की सब्जी हाँ हाँ क्या बात है मतलब तेरी तो मौज आ जाएगी पार्टी तेरी तो उस दिन फिर है ना पार्टी है ना हमें नहीं दे तू पार्टी दे देंगे क्या हलवा गाजर का हलवा मेरे को मम्मा जी हलवा नहीं देती मेरे को खाइयो हलवा पूरी बना तो ले पहले को झूठ बोल ली जाएगी परसों बनाओगे परसों बनेगा अच्छा जी गाजर ले आए हाँ कहाँ रखी हाँ सॉरी बना रही है मैं कितनी गाजर लाई चार पांच गाजर में क्या बनेगा भाई 5 किलो लाए कि 5 गाजर लाए पांच गाजर में क्या होगा थारा खा लेंगे और कहाँ जाएंगे और ले आएंगे अच्छा और ले आओगे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो क्या कह रही लाएंगे खत्म होगी मूंग पड़ी अब जाऊंगा बाहर अब बाहर जाऊंगा लेकर बाइक कहाँ से दूं किरने से थोड़ी ना आएगी बल्ला इसमें ना जेब इसमें होगी पैंट में जेब नहीं थी तो आज फरीदाबाद दिखता है पूरा फरीदाबाद दिखता है
है और पहले पी ना, थोड़ा सा बचा जल्दी पी, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ये ले पी ले, और ले पीती बस। और अब मैं आ गया हूँ 14 सेक्टर में, बाल कलर कराने, कटिंग कराने, थोड़ा सा रिपेयरिंग कराने बालों की। तो मेरे को उसने कलर वर्क कर दिया है, कटिंग कर दी है। वैसे तो अभी वो कस्टमर का काम कर रहा है सामने बैठ के, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर तारक मेहता चलता रहता है, पूरा दिन तारक मेहता देखते हैं लोग। अभी भी मेरा टर्न नहीं आया क्योंकि बाल बहुत गीले हैं और मुझे बहुत देर वेट करना पड़ेगा, आई थिंक 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चल छोटा सा एक क्लिप बना लेता हूँ और मैं काउंटर पे बैठा हूँ, काउंटर पे बैठ कर के ही सारा दुकान देख रहा हूँ यहाँ से। आजकल मेरे हाथ में ही है अभी सब, जितने भी कस्टमर आएंगे सबके पैसे वैसे आज मैं ही लूँगा। थोड़ा मालिक वाला फील आ रहा है, वैसा है। ये सोनू जी हैं और इसी ने मेरी कटिंग की है और इसी ने ही मेरा कलर किया है। हो गया मेरे बालों का ये सुपर सा कलर कटिंग एंड ऑल। फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगा। ये है शॉप, ठीक है जी। यहाँ पर हमेशा तारक मेहता चलते रहता है। आई लाइक इट। कैसा लग रहा है मेरा ये लुक? बहुत मस्त कलर किया। और ये क्लिप को कर रहा हूँ दोस्तों मैं डबिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई आ गया था जिसके कारण मैं वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता था। तो अब आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।